लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? कौन है आखिर राहुल वर्धन? कहां से शुरू हुई जवान की कहानी? कहां है आखिर राहुल का पूरा परिवार? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीक्रॉट स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। जवान डायरेक्टर एटली कुमार द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस नयनतारा मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो उसकी शुरुआत चेन्नई से होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं जवान की इस कहानी में आखिर क्या छुपा है। चेन्नई, तमिलनाडु, 1980। विजय तुम समझ नहीं रहे हो, पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक डॉन अयंगर यानी विजय सेतुपति के मर्डर का रहस्य सामने नहीं आया है। शायद तुम्हें पता नहीं है पर अयंगर को हमारे देश की खुफिया जानकारी थी, जो अगर किसी बाहरी को पता चल जाए तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। रॉ के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर यानी अमिताभ बच्चन ने ये सब एजेंट या विजय यानी कि अजय देवगन से कहा, सर हम अब आगे क्या करेंगे? अयंगर का क्या हुआ किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हुई है या नहीं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी ने भी उसकी डेड बॉडी को नहीं देखा है। एजेंट विजय काफी सोच विचार कर अपने सीनियर से कहता है, आई नो विजय, और ये मेरा सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अगर अयंगर सच में मर गया है तो उसे मारने वाला जरूर ही अयंगर से ताकतवर रहा होगा, जिसकी कहीं ना कहीं हमारे देश से दुश्मनी है। वहीं अगर वो जिंदा है तो वो कभी भी हमारे देश को खतरे में डालने की ताकत रखता है। डॉक्टर चंद्रशेखर काफी गंभीर होकर विजय से कहते हैं। चंद्रशेखर की इन बातों पर विजय सवाल करता है, तो सर अब हमें क्या करना चाहिए? चंद्रशेखर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, हम इस केस की कंप्लीट डिटेल्स हासिल करने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी होगी जो रूप बदलने में माहिर हो। अब सोचना ये है कि आखिर वो हमें मिलेगा कहाँ। चंद्रशेखर की इन बातों से रॉकी शांत खुफिया हेडक्वार्टर्स गूंज जाती है। वहीं इस चर्चा के बाद चंद्रशेखर विजय को एक टास्क अलॉट करते हैं, जिसमें उसे एक ऐसे इंसान की तलाश करनी है जो रूप बदलने में माहिर हो। और विजय ने रॉ में मौजूद सभी एजेंट्स की जानकारी जुटा ली है, हालांकि कोई भी एजेंट रूप बदलने में उतने तेज नहीं है जितने की इस केस को जरूरत थी। वहीं एक दिन विजय अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक शख्स दिखाई देता है जो अपने असिस्टेंट को गुंडे बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। विजय अपनी गाड़ी को एक तरफ पार्क करता है और सड़क के उस पार चल रहे तमाशे को गौर से देखने लगता है। विजय को ऐसा करते करीब आधा घंटा गुजर जाता है, जिसमें उस शख्स ने कई तरह से अपने भेष को ऐसे बदला कि सामने वाले को उसकी असली आइडेंटिटी पर ही शक होने लगा। अपने असिस्टेंट को ट्रेन कर रहा वो शख्स विजय की नजर में आ जाता है। विजय सीधे अपनी गाड़ी को घुमाकर उस शख्स के पास रोकता है। विजय ऐसा कर उस शख्स को अपने पास बुलाता है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी विजय से कहता है, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। विजय की बातों को सुनकर वो शख्स अपने असिस्टेंट को वापस अपने थिएटर में भेज देता है, जो बस थोड़ी दूरी पे ही स्थित था। विजय को उस आदमी से बात करने पे पता चलता है कि उस आदमी का नाम राजवर्धन ठाकुर यानी कि शाहरुख खान है, और वो पेशे से एक सीनियर थिएटर आर्टिस्ट है जो रूप बदलने में काफी ज्यादा माहिर है। विजय उसे देख समझ जाता है कि राज या उसकी जरूरत को पूरा करने वाला है, और इसी वजह से वो राज को कन्विंस करता है कि वो उसके सीनियर चंद्रशेखर से आकर मिले। वहीं राज के सामने चंद्रशेखर खुद को एक बिजनेसमैन बताता है, जिसे अपने बेटे के लिए एक बड़ी पार्टी होस्ट करनी है। वहीं पार्टी की थीम है थिएटर, और इसी वजह से उसे रूप बदलने में माहिर एक आर्टिस्ट की तलाश है। राज अपने टैलेंट को चंद्रशेखर के सामने खुशी खुशी पेश करता है। वो एक के बाद एक रूप बदलता है, जैसे कि ऐसा करना उसके बाएं हाथ का खेल हो। चंद्रशेखर राज को देख के मुस्कान छोड़ता है। इसके बाद चंद्रशेखर राजवर्धन को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर राज के होश उड़ जाते हैं। असल में चंद्रशेखर राज को रॉ में एक एजेंट बनाना चाह रहा था, ताकि वो उसका इस्तेमाल डॉन अयंगर के मर्डर केस में कर सके। हालांकि राजवर्धन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि राज को ऐसे काम का हिस्सा ही नहीं बनना है। चंद्रशेखर राज की बातों को सुन के अपने पॉकेट से गन निकाल कर राज पे पॉइंट कर देता है, और ये धमकी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हमारी मदद कर एक एजेंट बन जाओ या फिर मर जाओ, क्योंकि तुम अब रॉ और हमारा सारा राज जानते हो, और इसी वजह से हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। राज जो अपने ऊपर गन को देख थोड़ा घबरा जाता है, वो चंद्रशेखर के लिए काम करने को राजी हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था।
तो दर्शकों आपको क्या लगता है, क्या राजवर्धन ने सच में चंद्रशेखर की बात मान ली है या वो कर रहा है कोई प्लान? जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की राइटर हैं ख्याति।